आउज़ुबल बसमीम्स वरहल व डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन साइंस लेक्चर एंड लिटरेचर डियर स्टूडेंट्स माय नेम इज़ मोहम्मद कासिम शकील एंड आई हैव टू टीच यू क्लास टेंथ चैप्टर नंबर अलैन होम्योटेज आवर टॉपिक नेम इज़ डिसऑर्डर्स ऑफ़ किडनी डिसडर्स ऑफ किडनी डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि वर्ड्स को गौर से पढ़ें उनको समझें वट इज़ मीट बाई डिसर डिस मीन अन ऑर्डर मीन फंक्शन अनफंक्शनिंग ऑफ किडनी दैट इज़ कॉल्ड डिसऑर्डर ऑफ किडनी अब गुर्दों की खराबियाँ कौन कौन सी हैं इनमें हम पढ़ेंगे किडनी स्टोन्स एंड किडनी फेल्यूर रैनल फेल्यूर का नाम भी दिया जाता है उसको वर्ड रैनल इज यूज फॉर किडनी अंडरस्टैंड सो लेट स्टार्ट नंबर वन पॉइंट इज किडनी स्टोन गुर्दों में पत्थरी का बन जाना किडनी स्टोन कहलाता है दरअसल गुर्दों के अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स का क्रिस्टल्स की फार्म में हार्ड डेपोजिट की शक्ल इख्तियार कर लेना हार्ड डेपोजिट की शक्ल में जमा हो जाना इकट्ठा हो जाना क्या कहलाता है किडनी स्टोन्स जब यूरन कंसनट्रेट होता है तो क्या होता है कि जो क्रिस्टल्स हैं साल्स के क्रिस्टल बन जाते हैं कैल्शियम ऑक्जालेट कैल्शियम एंड अमोनियम फॉसफेट एंड यूरिक एसिड ये क्या करेंगे ये क्रिस्टल की शक्ल इख्तियार करेंगे और हार्ड डिपोजिट बनाते जाएंगे क्योंकि पानी की मकदार कम है यूरन कंसनट्रेटेड फॉर्म में है दे कैन नाट पास इन यूरन ये नहीं गुजर सकेंगे यूरन से और क्या होगा हार्ड डिपोजिट की शक्ल इख्तियार कर जाएंगे और फिर ये क्या बना देंगे किडनी स्टोन्स जिनको हम गुर्दों में पथरी कहते हैं किडनी स्टोन्स बना देंगे क्लियर स्टूडेंट्स डियर स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं इसकी अक्रंस ज़्यादातर जो स्टोन्स हैं ये किडनी में बनते हैं फिर ये ट्रेवल कर जाते हैं यूरिटर और फिर यूरिनरी ब्लैडर में डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं गुर्दों में पत्थरी की वजूहत क्या हैं किन वजूहत पे ये स्टोन्स क्रिएट होते हैं बनते हैं नंबर वन एज फैक्टर हो सकता है डाइट जिसमें ज़्यादातर ग्रीन वेजिटेबल्स आ सकती हैं जो कि क्या है हाईली रिच इन सोर्स री ट्रैक इंफेक्शन हो सकता है लेस इनटेक ऑफ वाटर पानी का कम इस्तेमाल हो सकता है एंड अल्कोहल कंजम्प्शन शराब का इस्तेमाल नेक्स्ट मूव करें तो हम पढ़ते हैं सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन गुर्दों में पत्थरी जब बन जाती है तो इनसे क्या अलामत जाहिर होती हैं सवेयर पेन इन किडनी आर इन लोर एबडोम पेट के निचले हिस्से और गुर्दों में शदीद दर्द होती है वॉमिटिंग कै आना फ्रिक्वेंट यूरिनेशन बार बार पेशाब आना एंड फॉल स्मेलिंग यूरन विद ब्लड एंड पस और पेशाब के साथ खून और पस का निकलना जिससे बदबू आए तो डियर स्टूडेंट्स ये हैं किडनी स्टोन के सिम्टम्स उसकी अलामत अब हम पढ़ते हैं रिकवरी मेथड, ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन गुर्दों में पत्थरी और उनका इलाज 90% परसेंट जो किडनी स्टोन्स हैं ये पास आउट कर सकते हैं यूरिनरी सिस्टम से बाय ड्रिंकिंग वाटर मतलब जितना ज्यादा हम पानी का इस्तेमाल करते जाएंगे किडनी स्टोन्स उतना ही यूरिनरी सिस्टम से पास आउट होते जाएंगे इसके अलावा इसका एक और मेथड भी है जिसको सर्जिकल मेथड कहते हैं उसमें क्या होता है कि जो अफेक्टेड एरिया होता है यानी जो मुतासर शुदा हिस्सा होता है उसको ओपन किया जाता है और जो मौजूदा उसमें स्टोन हैं उसको रिमूव किया जाता है इसके अलावा एक और भी मेथड है जिसको नाम दिया जाता है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी स्टूडेंट्स के बारे में थोड़ा सा सुन लें ये ग्रीक वर्ड है यूनानी जबान का लफज है ये लिथो एंड ट्रिप्सी दो वर्ड्स हैं इसके अंदर लिथो मीन स्टोन एंड ट्रिप्सी मीन क्रश्ड ब्रेकिंग मतलब स्टोन्स का चूरा चूरा करना उसको तोड़ देना क्रश कर देना अब इसमें क्या होता है ये एक अनदर मेथड है किडनी स्टोन के रिमूवल के लिए इसमें क्या होता है कि नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स को बम्बार्ड किया जाता है आउटसाइड रीजन से कहाँ पे बम्बार्ड किया जाता है यूरिनरी सिस्टम में मौजूदा स्टोन्स पर जब आउटसाइड रीजन से वेव्स हिट होंगी यूरिनरी सिस्टम के अंदर स्टोन्स पर तो क्या होंगे जो स्टोन्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे और फिर क्या होंगे जो स्टोन्स हैं वो सैंड लाइक यानी रेत बन जाएंगे रेत की शक्ल में यूरिन के जरिए रस्ते से पास हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स इसमें कोई मुश्किल मेथड नहीं है कोई मुश्किल जबान नहीं है लिथोट्रिप्सी एन मेथड है किडनी स्टोन्स की रिमूवल के लिए इसमें क्या होता है कि जो नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स हैं उनको बम्बार किया जाता है यूरिनरी ट्रैक पर उसमें मौजूद जो स्टोन्स हैं वो ब्रेक ब्रेक हो जाते हैं वेव्स हिट करेंगी डेंस स्टोन्स को मतलब जो वेव्स हैं वो स्टोन्स के रीजन पर हिट करती हैं और स्टोन्स फिर ब्रेक हो जाते हैं टूट जाते हैं फिर वो सैंड लाइक अपीरेंस बन जाएंगे रेत की शक्ल इख्तियार कर लेंगे और फिर वो पास्ट थ्रू यूरन पेशाब के जरिए एक्सक्रीट हो जाएंगे इस तरह किडनी स्टोन्स का ये मेथड है लिथोट्रिप्सी क्ले स्टूडेंट्स डी स्टूडेंट्स नंबर वन डिसऑर्डर हमने पढ़ा था किडनी स्टोन्स गुर्दों में पत्थरी अब हम पढ़ने जा रहे हैं किडनी फेलर वट इज़ मीट बाय किडनी फेलर गुर्दों का प्रॉपरली वर्क ना करना अपने काम में नाकाम हो जाना उसको कहते हैं किडनी फेल्योर हमने पढ़ा था कि किडनी का फंक्शन क्या होता है इसने प्योरीफिकेशन करनी होती है ब्लड की अगर यह ब्लड को प्योरीफाई ही नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है किडनी फेलर हो गया किडनी नाकाम हो गए अपने फंक्शंस में अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि यह किस तरह होता है नेक्स्ट मूव करें तो हम इसकी पढ़ते हैं वजूहत किडनी फेल्यर किन वजूहत पर होती है कुछ लोग स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं कुछ लोग शुगर के मरीज बन जाते हैं डायबिटीज मिलाइटस एंड हाइपर टेंशन ये दो बुनियादी वजूहत हैं रैनल फेलियर की बाजात बॉडी फंक्शन अनफिट हो जाते हैं प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते और जो खून की सप्लाई है किडनी तक गुर्दों तक उसमें रुकावट आना शुरू हो जाती है ड्रग ओवर डोजेज में आल्सो रिजल्ट इन किडनी फेल्यूर नशे का आदि बन जाना नशे का शिकार हो जाना यह भी किडनी फेल्यूर की बुनियादी वजूहत में से एक वजूहत है वजुहात को पढ़ने और समझने के बाद अब हम जिक्र करेंगे इसके अलामत का सिम्टम्स का खून में वेस्ट्स और यूरिया की मकदार उसका लेवल हाई हो जाता है यह इसकी अलामत है विच कैन रिजल्ट इन वॉमिटिंग फिर वो किसका रिजल्ट बनता है नतीजे में क्या होता है वॉमिटिंग क्या आना शुरू हो जाती है नवजिया एक शख्स घबराहट का शिकार बन जाता है वेट लॉस जिसम का वजन कम होना शुरू हो जाता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बार बार पेशाब करना एंड ब्लड इन यूरिन एक्सेस फ्लूड्स इन बॉडी जिसमें फ्लूड्स का हद से ज़्यादा उसकी अमाउंट इंक्रीज हो जाना तजावज़ कर जाना हद से ज़्यादा मकदार का बढ़ जाना फिर क्या होता है स्वेलिंग ऑफ लेग्स फीट एंड फेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ चेहरा हाथ और पाँव सूजन का शिकार हो जाते हैं और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ सांस लेने में दुशारी पेश आती है तो डी एसटूडेंट्स ये अल्लाह माफ़ करे इसके बुनियादी सिम्टम्स से इसकी अलामत थी जो हमने अच्छे तरीके से डिस्कस की अंडरस्टैंड अजीज़ तलबा तालिबात अब हम पढ़ेंगे किडनी फेलियर के ट्रीटमेंट यानी इसका इलाज किस तरह मुमकिन है दो मेथड्स हैं इसके नंबर वन डायलिसिस एंड सेकेंड वन किडनी ट्रांसप्लांट डियर स्टूडेंट्स गौर से समझिएगा डायलिसिस कहते हैं आर्टिफिशल क्लिनिंग ऑफ ब्लड खून की मसनू तरीके से सफाई की जाती है और किडनी ट्रांसप्लांट गुर्दों का मुकम्मल तौर पर तबादला होता है यानि नॉर्मल को हेल्दी के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है उसको कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट डियर स्टूडेंट्स नंबर वन ट्रीटमेंट का नाम डायलिसज है मसनू तरीके से खून की सफाई का नाम डायलिसिस कहलाता है क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मेथड्स इसके आगे दो मेथड्स हैं पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हीमो डायलिसिस नंबर वन मेथड द नेम इज पेरिटोनियल डायलिसिस एक ऐसा डायलिसिस जिसको रोजाना परफॉर्म किया जाता है बेसिकली पेरिटोनियल डायलिसिस में ये एक बैग होता है जिसमें फ्लूड फिल्ड होता है यानी एक बैग होता है जिसमें जो कि फ्लूड से भरा हुआ होता है इसको पेरिटोनियल कैविटी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है जिसके अंदर स्पेस होती है उसके अंदर खला होता है वो गट के इर्द गिर्द सराउंड होता है अब आगे क्या है ये जो कैविटी है दिस कैविटी इज लाइंड बाय पेरिटोनियम ये जो कैविटी है ये जिसके साथ घिरी हुई होती है लाइन होती है उसको क्या नाम दिया जाता है पेरिटोनियम का नाम दिया जाता है अब जो पेरिटोनियम है उसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं जब हम डायलिसिस फ्लूड को पेरिटोनियल कैविटी के अंदर रखेंगे तो होगा क्या जो जितना भी वेस्ट मटेरियल है पेरिटोनियल ब्लड वेसल से वो डिफ्यूज कर जाएगा यानी वो डिफ्यूज हो जाएगा वो किस में चला जाएगा डायलिसिस फ्लूड में यानी जो हम मैंने आपको पहले बताया कि एक थैली नुमा शक्ल अजीज़ तलबा व वालबा इस कॉन्सेप्ट को एक बार दोबारा दोहराने लगा हूँ गौर से सुनिएगा डायलिसिस फ्लूड को जैसे ही पेरिटोनियल कैविटी के अंदर रखा जाता है तो क्या होगा ब्लड वेसल के साथ जितना भी वेस्ट मटीरियल है वो डिफ्यूज कर जाएगा वो डिफ्यूज हो जाएगा किस में डायलिसिस फ्लूड में अंडरस्टैंड और जो पेरिटोनियल डायलिसिस फिनोमिना है इसको हम घरों में भी परफॉर्म कर सकते हैं इट शुड बी डन एवरीडे इसको रोजाना परफॉर्म किया जाना चाहिए तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह मसनू तरीके से खून की सफाई की जाती है यह एक मैथड है जिसको हम नाम देते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस का अंडरस्टैंड सेकेंड मैथड इज हीमोडायलिसिस डियर स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है कि जो मरीज का खून है पेशेंट्स ब्लड उसको पंप किया जाता है एक अपरेटस के जरिए जिसको नाम दिया जाता है डायलाइजर एक मशीन का नाम है बेसिकली ये अब ये जो डायलाइजर है ये किन चीजों पर मुश्तमिल होता है इसके अंदर कौन सी खसूसियात है ये लॉन्ग ट्यूब्स पर मुश्तम होता है और इसके अंदर वाल्स होती हैं जो कि एक्ट करती हैं सेमी परमेबल मेमब्रेन की तरह अब होगा क्या कि जो ट्यूब्स हैं उनको कनेक्ट कर दिया जाता है पेशेंट की बॉडी के साथ हमने पढ़ा कि जो डायलाइजर है इसमें लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं और जो लॉन्ग ट्यूब्स हैं उसकी जो वॉल्स हैं वो जो दीवारें हैं वाल्स वो एक्ट करेंगी परिमेबल मेम्ब्रेन की तरह ब्लड फ्लोज थ्रो द ट्यूब्स वाइल डायलाइसिस फ्लूड फ्लोज अराउंड द ट्यूब्स जो खून है वो ट्यूब्स के अंदर बहना शुरू कर देगा लेकिन जो डायलिसिस फ्लूड है वो ट्यूब्स के अंदर तो नहीं बहेगा लेकिन इर्द गिर्द जरूर बहेगा फ्लोज अराउंड द ट्यूब्स अब होगा क्या जो एक्स्ट्रा वाटर है एंड वेस्ट हद से ज्यादा जो उसके अंदर मटीरियल है, है वो मूव कर जाएगा ब्लड से डायलिसिस फ्लूड में इसी तरह खून की सफाई होती है क्लींस्ड ब्लड इज देन रिटर्न बैक टू द बॉडी जो साफ हो जाता है खून उसको फिर दोबारा बॉडी की तरफ रवाना कर दिया जाता है उसको रिटर्न कर दिया जाता है हीमोडायलिस ट्रीटमेंट आर टिपिकली गिवन इन डायलिसिस सेंटर्स थ्री टाइम्स पर वीक हफ्ते में तीन बार ये फिनोमेना जरूर परफॉर्म करना चाहिए क्लीनिंग ऑफ ब्लड खून की सफाई के लिए तो डियर स्टूडेंट्स ये दो मेथड थे हमने इसको बगौर अच्छे तरीके से इसको समझा और पढ़ा अजीज तलबा वालबात ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलर सेकेंड नेम इज़ किडनी ट्रांसप्लांट गुर्दों का तबादला हम जानते हैं कि जो डायलिसिस फिनिना था उसको परफॉर्म किया जाता है कुछ दिनों के बाद जो पेरिटोनियल डायलिसिस था उसको तो रोज़ाना किया जाता है और जो हीमोडायलिसिस फिनोमिना था उसको हफ्ते में तीन बार परफॉर्म किया जाता है डियर स्टूडेंट्स अब ये जो मेथड है ये पेशेंट के लिए और अटेंडेंट्स के लिए बाहर तो ना खुशगवार है लेकिन इसको परफॉर्म भी किया जाता है एनदर ट्रीटमेंट फॉर द एंड स्टेज किडनी फेलियर इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन वो कहते हैं कि जो दूसरा मेथड है उसको नाम दिया जाता है गुर्दों का तबादला किडनी ट्रांसप्लांट आइए हम इसकी अब डेफिनेशन पढ़ते हैं इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ पेशेंट्स डेमेज किडनी विद अ डोनर हेल्दी किडनी वो कह रहा है कि जो मरीज है जिसके किडनीज फेलियर हो चुके हैं प्रॉपरली वर्क नहीं करे उसका तबादला कर दिया जाता है डोनर हेल्दी पेशेंट के साथ जिसने जो के दूसरा शख्स जो के हेल्दी है उसने किडनीज देने हैं मुतासरा मरीज जिसके गुर्दे खराब हो चुके हैं इसकी डेफिनेशन को समझने के बाद अब हम पढ़ते हैं इसका तरीका क्या क्या है इसका मेथड क्या है जो डोनर पर्सन है जिसने किडनीज डोनेट करने हैं देने हैं अफेक्टेड पर्सन को वो या तो उसका रिलेटिव हो सकता है या फिर उसका रिश्तेदार नहीं हो सकता इस मेथड को परफॉर्म करने से पहले डोनर पेशेंट और अफेक्टेड पेशेंट दोनों के टिश्यू प्रोटीन्स को मैच किया जाता है अगर तो वो मैच कर जाएं तो फिर वो जो डोनर पेशेंट है उसके किडनीज को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है अफेक्टेड पेशेंट्स की बॉडी में और फिर उसको कनेक्ट कर दिया जाता है उसको जोड़ दिया जाता है उसकी जो पेशेंट्स ब्लड एंड यूरिनरी सिस्टम के साथ यानी उसके जो खून है खून की नालियां उनके साथ उसको कनेक्ट कर दिया जाता है और उसका जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसके साथ भी उसको कनेक्ट कर दिया जाता है इस तरह फिर जो अफेक्टेड पर्सन है यानी जो मुतासरा शख्स था उसकी जो एवरेज लाइफ टाइम है यानी मुस्तकबिल में उसकी ज़िंदगी का दौरानिया कम अज कम अंदाजन दस से पंद्रह साल इंक्रीज़ हो जाता है ख़ुदा न खास्ता अगर ये जो ट्रांसप्लांट है अगर ये फेल हो जाए तो जो पेशेंट है उसको फिर अपना दूसरा जो किडनी है उसको भी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है इस हालात में जो मरीज़ है उसको फिर डायलिसिस फोनना से गुजारा जाता है कुछ वक्त के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं ट्रांसप्लांट के बाद पेश आती हैं उसमें यानी ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो सकता है इन्फेक्शन कोई भी इन्फेक्शन आ सकता है इम्बेलेंस इन बॉडी साल्स यानी जिसमें में जो नमकियात नमकियात की मकदार है उसमें इम्बेलेंस हो सकता है मतवाज़न वो अपना बैलेंस खो सकती हैं तो विच कैन लीड टू बोन प्रॉब्लम एंड अल्सर फिर वो अल्सर की बीमारी बन सकती है या फिर वो हड्डियों की बीमारी का सबब बन सकती है तो डियर स्टूडेंट्स ये था किडनी ट्रांसप्लांट मेथड जो हमने अच्छे